हेलो गाइस, मैं सुब्रत, वेलकम टू सिंह टेलीकॉम। सिंह टेलीकॉम में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरे पास है जियो 120 बी, और इसके अंदर जो प्रॉब्लम है, इसका जो पावर की जो है, इस पावर की कम नहीं कर रहा है। तो आइए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करते हैं। और सबसे पहले इसको आपको प्रॉब्लम जो है, प्रॉब्लम सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा दूँ। तो ये है बैटरी कनेक्टर से सबसे पहले इसको लगा देना है आपको बैटरी। और लगाने के बाद जब भी आप इसको जो चार्जिंग में लगाएंगे, तो आप देख सकते हो इसका चार्जिंग जो शो हो रहा है, लेकिन दोस्तों पावर की शो नहीं हो रहा है। तो आप देख सकते हो इसका चार्जिंग है, चार्जिंग शो हो रहा है, और इसका जो पावर की है, पावर की आप इसका जो काम नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, ये टिप उठा करके भी मैं आप लोगों को चिमटी की मदद से भी आपको मैं दिखा दूँ। मेरे पास चिमटी हाँ इधर है, तो आप देख सकते हो ये चिमटी के मदद से भी मैं इसका जो पावर की प्रेस कर रहा सॉरी ये पावर की प्रेस कर रहा हूँ, लेकिन कोई काम नहीं हो रहा है। अब और एक बार देख लीजिए, ये जो ये है चार्जिंग केबल है, फिर से मैंने इसको लगाया और ये हुआ प्राइवेट, और इसका जो पावर की ये है। और इस पावर की का अगर आप मैंने दबा तो इसके चिमटी के साथ, तो देख सकते हो चार्जिंग तो शो रहा है, 33% चार्जिंग शो हो रहा है, और एम्पियर भी ले रहा है ठीक ठाक, 1.2 एम्पियर ले रहा है आई चार्जर से। लेकिन दोस्तों इसका जो पावर की काम नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले आपको इसको समझना है, इसका जो पावर की है, पावर की का जो लेआउट है, या आपका जो ओए है, इसका जो लाइन है, तो कहाँ से आते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं और एक थोड़ा सा जूम करके मैं दिखा दूँ, और इसका जो पावर की का जो लेआउट है, ये कहाँ से आते हैं। सबसे पहले आप मॉडल एक फिक्स कर लीजिए 120 बी, तो आप देख सकते हो। तो सबसे पहले इसको जो सबसे जो पहला आपको काम करना है, आपको चार्जिंग कनेक्टर आपको सबसे पहले चेंज करना है। अगर इस तरह ऑटो स्टार्ट हो रहा है, तो सबसे पहले आपको चार्जिंग कनेक्टर आपको चेंज करना है। मैंने ऑलरेडी चेंज करके रखा हूँ। और इसके बाद आपको क्या करना है, आपको शॉर्ट इसका अंदर शॉर्टिंग है क्या नहीं, तो सबसे पहले आपको चेक कर लेना है। तो मैं हम लोगों को दिखा दूँ, एक ये बी मोड में मैंने सेट कर लिया है, और इसके बाद ये बैटरी कनेक्टर पर मैं आप लोगों को चेक करके दिखा दूँ इसके अंदर शॉर्टिंग है या नहीं। ये बीप हो रहा है, आप देख सकते हो। और इसके बाद इस ग्राउंड है, और ये तो मतलब इसके साथ कोई शॉर्टिंग वॉटिंग नहीं है। तो ऑटोमेटिक ये जो देख सकते हो, कोई शॉर्टिंग नहीं है, लेकिन फिर भी ये ऑन नहीं हो रहा। इसका रीडिंग है 320, मतलब 320 के आसपास है, मतलब बहुत बढ़िया है। तो आइए देखते हैं इसके और नेक्स्ट स्टेप क्या है। नेक्स्ट स्टेप इसका जो है, आपको जो पावर कैन आपको निकालना होगा। तो सबसे पहले आपको मैं इसका जो पावर कैन है, पावर कैन निकाल के मैं आप लोगों को दिखा दूँ। और इसको सबसे पहले इसको रिमूव कर लेते हैं, और इसके बाद ये जो पावर कैन है, जो इसको सबसे पहले आपको निकाल लेना है। निकाल लेने के बाद आपको क्या करना है, मैं आप लोगों को दिखा दूँ, थोड़ा सा ऐसे जूम करके मैं आप लोगों को दिखा दूँ। तो देखिए, ये है इसका पावर, इधर से आपको पावर की का जो सप्लाई आता है। तो आपको क्या करना है, आपको ये रजिस्टर पे दोनों को आपको चेक करना है, रजिस्टर अगर सही है नहीं। तो ये जो दो रजिस्टर है, आप देख सकते हो इधर पे, ये दो रजिस्टर आपको चेक करना है। तो रजिस्टर चेक करने के लिए आपको डायोड मोड पे आपको सेट करना होगा। डायोड मोड पे सेट करने के बाद आपको इसका जो लाइट, मैं आप लोगों को दिखा दूँ, आप देख सकते हो हाँ। तो इसके बाद आपको क्या करना है, आपको इधर आपको चेक करना है ये दो डायोड इधर। तो एक कर लेते हैं ग्राउंड, और एक पॉइंट पे देते हैं। तो इसके बाद इस इधर से भी आपको कंटिन्यू देखने को मिलेंगे। ऐसे करके आपको चेक कर लेना है, मतलब आप देख सकते हो एकदम सॉरी लाइट थोड़ा दे देते हाँ। तो रीडिंग दिखा रहा था इसका मतलब 645, तो इसका मतलब आपका जो रजिस्टर ओके है, और रजिस्टर ज़्यादातर ख़राब नहीं होता है, 90% रजिस्टर आपको ख़राब नहीं मिलेंगे। तो इसलिए इस रजिस्टर पे आपको चेक करना है, इस रजिस्टर पे कनेक्शन आते हैं, और साथ में क्या आता है, इस रजिस्टर से इस पॉइंट पे भी आते हैं।
तो आपको इस रजिस्टर से इस पॉइंट को भी आपको चेक कर लेना है बीप के साथ, सॉरी ये जो बीप है, हाँ इसका बीप आ रहा था, मतलब ट्रैक यहाँ से आपको जो ट्रैक है इधर से यहाँ का ट्रैक सही है। आप कैसे आप इसको चेक कर सकते हो मैं आप लोगों को दिखा दूँ, ये जो ट्रैक है एकदम सही है ट्रैक। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा दूँ इसका जो पावर की का जो ये है ग्राउंड, ये वाला ग्राउंड और ये वाला आपका सप्लाई है। तो ये वाला ये रेड वाला आपका सप्लाई और ब्लैक वाला ग्राउंड, आप देख सकते हो रेड वाला सप्लाई और ब्लैक वाला ग्राउंड। और इससे आपको क्या करना है, चेक करना है इधर से, एक प्रूव आपको इधर से रख के आपको चेक करना है इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट पे सॉरी थोड़ा सा आपको ऐसे करके आपको पकड़ना है और आपको चेक करना है इस पॉइंट पे, सॉरी। तो और एक काम को करने के लिए, इजी वे से करने के लिए मैं और एक इसका मेथड अप्लाई करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं इसको इसके अंदर आपको जम्पर करके इस थोड़ा सा इसको सील को निकाल के थोड़ा सा जम्पर कर लेता हूँ इधर से, तो थोड़ा काम आपको आसान होगा। तो इसलिए थोड़ा सा पहले आपको इधर जम्पर कर लेना है। जम्पर करने से आपको क्या होगा, आपका जो काम है थोड़ा सा चेकिंग करने में आसानी होगा। तो सबसे पहले इधर पे आपको थोड़ा सा रजन इधर दे के थोड़ा सा आपको जम्पर कर लेना है। तो मैं इधर जम्पर कर लेता हूँ और उसके जब इसके बाद इसका जो जम्पर वायर है थोड़ा सा छिल के मैं इसका दूसरी साइड से उसको चेक करूँगा, तो इजी वे से आपको मिल जाएंगे। तो इधर से आपको कट कर लेना है। तो और इसके इसके बाद आपको क्या करना है, इसको थोड़ा सा इसको छील लेना है ऐसे करके। तो जी वैसा आप भी देख सकते हो और ये काम भी बहुत आसान हो जाएगा। तो ऐसे तो इधर से मैंने कनेक्शन ले लिया और मैं मल्टीमीटर की जो प्रोब है आप देख सकते हो डायोड मोड में है, बर्जर मोड में है। तो सबसे पहले मैं एक प्रोब इधर पे लगाऊंगा, एक प्रोब इस रेड पे लगाऊंगा और एक प्रोब आप देख सकते हो एकदम बीप आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ से आपका जो कनेक्शन है इधर से, मैं ऐसे करके आप अच्छी तरीके से देख सकते हो, ऐसे करके आप इजीली इसको पकड़ के आप ऐसे, तो मतलब यहाँ से यहाँ तक आपका कनेक्शन ओके है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद जो प्रिंट आते हैं वो आते हैं आपका जो ये डिस्प्ले के नीचे से, इधर से आप देख सकते हो अच्छी तरीके से, मैं आप लोगों को जूम करके भी दिखा दूँगी। इधर आप अच्छी तरीके से देख लो फोकस में थोड़ा, आप देख सकते हो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट आप देख सकते हो इधर से, ये पावर की का वो है। थोड़ा सा इसको मैंने क्या करके रखा हो, थोड़ा सा इसको जो प्रिंट निकल कर रखा हूँ, ये जो पॉइंट है आप देख सकते हो इधर से, ये वाला पॉइंट, इससे आपको पावर सप्लाई के पास आते हैं और इसके बाद आपको जो पावर की में आते हैं। तो इसको थोड़ा सा आपको निकल कर रखना है और इसके बाद यहाँ से आपको कर देना है जम्पर। अगर आप जम्पर कर देंगे तो आपका जो काम 100% हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जम्पर वायर जो है थोड़ा सा इधर से आपको ले लेना है, मैं आपको लाइव करके भी दिखाने वाला हूँ। तो ऑब्वियसली आप देख सकते हो इधर से क्या होगा, एक बार आप जम्पर कर देंगे तो शायद आपका काम बन जाएंगे। तो इसलिए मैं आपके साथ ही जम्पर करने वाला हूँ और वीडियो को मैं एक स्टेप भी नहीं आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि दोस्तों अगर आप स्टेप बाय स्टेप देखते हो तो आपका जो काम बहुत ही आसान हो जाता है। तो इसीलिए मैं वीडियो को थोड़ा सा भी फॉरवर्ड नहीं करूंगा, तो इसलिए थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले इसको जम्पर वायर इसको निकाल लेते हैं और इसके बाद ये जो पॉइंट है इस पॉइंट पर करना है जम्पर। मल्टीमीटर को थोड़ा सा साइड में रख देते हैं और इस पॉइंट पे आपको कर देना है जम्पर।
आप देख सकते हो ये इजी वॉइस दिखा रहा है। तो इस पॉइंट पे आपको थोड़ा सा रोजन देना है, इधर से रोजन इसको देके आपको कर देना है जम्पर। जम्पर करने के बाद आपको दिखाएंगे ये ऑन होगा या नहीं, तो आप देखते रहिए। इसको थोड़ा सा ऐसे सीधा करके आपको तो दोस्तों देख सकते हो ये हो गया है हमारा जम्पर। और इसके बाद जो होगा आपके साथ ही आप देख सकते हो। तो इसके बाद ये आपका जो बैटरी कनेक्टर है, अब इसका जो बैटरी कनेक्टर, बैटरी मैंने आपके साथ ही इसको जो चेक करूंगा तो इजीली आप इजी वे से देख सकते हो। ये जो बैटरी है आप देख सकते हो, थोड़ा सा मल्टीमीटर इधर, हाँ। और इसके बाद ये जो चार्जिंग कनेक्टर है इसको जो कर देता हो कनेक्ट, हाँ। तो आप देख सकते हो कनेक्ट करने के बाद ये जो चार्जिंग हो रहा है। और इसके बाद आपको चिमटी से आपको ऑन करके दिखाऊंगी। तो आप देख सकते हो चिमटी से मैंने इसको ऑन किया और आपके साथ ही, और आप लाइव देख रहे हो, इसके साथ आप इजी ओए से जो 120, 220, 320 जो आपका जो चार्जिंग ओए, सॉरी आपका जो पावर ओए है, आप इजी ओए से इसका जो सॉल्व कर सकते हो। अगर पावर की आपका काम नहीं कर रहा है तो ऐसे आप इजी ओए जम्पर करके आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। जियो ऐप 320, 220, 120 सेम ओए से काम होता है। तो आप देख सकते हो, थोड़ा सा वेट कर लो, वेट करके बाद ही आप देख सकते हो। अगर आप ऑन हो जाएंगे तो इसको फत्ता फत्ता लगा के मैं इसको सेट कर देता हूँ। तो इस वजह से आप काम करेंगे तो मेरे हिसाब से भाई यहाँ पे आप चेक बाय स्टेप बाय स्टेप आप चेक करके अगर काम करेंगे तो आपका काम 100% बन जाएंगे। तो थोड़ा वेट करते हैं क्योंकि दोस्तों लास्ट मोमेंट में है, तो इसलिए थोड़ा वेट करना है। वेट करने के बाद देख सकते हो, आप देख सकते हो ये जो है आपका जो कैमरा ऑन हो गया है। और इसको करते हैं ख़त्म, और इसके साथ आपको मतलब ऑटो टच हो रहा है, लेकिन दोस्तों काम तो देख सकते हो आप इजी वे से। तो इसी तरह आप अपना जो काम कर सकते हो 100%। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।